उसका ऑथेंटिकेशन हम सुन देंगे। अगर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या होता है, मैंने बताया था डिजिटल सिग्नेचर मीन्स ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय सब्सक्राइबर बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेथड और प्रोसीजर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3, कि जो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 है उसके अकॉर्डिंग जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उनका हमने ऑथेंटिकेशन जो कर रहे हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं, हम डिजिटल सिग्नेचर की हेल्प से करते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कैसे होता है, इसके बारे में हम देखें तो यहाँ पे दे रखा है कि फर्स्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एनी सब्सक्राइबर में ऑथेंटिकेट एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बाय अफिक्सिंग हिज डिजिटल सिग्नेचर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं जिस पर कोई भी जो डिजिटल सिग्नेचर होल्डर है जिसको हम सब्सक्राइबर बोलते हैं वो उस पर साइन कर दें। दूसरा कहता है ऑथेंटिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। देखो होता क्या है, आपने देखा होगा कि बॉर्डर पर जो हम जो कम्युनिकेशन करते हैं उसमें क्रिप्टोग्राफी रहती है, हम एक कोड लैंग्वेज यूज़ करते हैं वहाँ पे, ऐसी डिजिटल सिग्नेचर के अंदर भी क्या होता है, एक कोड होता है जो डिजिटल सिग्नेचर को गवर्न करता है, ठीक है ना। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को दोनों इनिशियली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है उसको हम किसी ऑथेंटिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे वो क्रिप्टो जो रहता है, क्रिप्टो सिस्टम जो रहता है वो यूज़ में लेना पड़ता है हमें। और इसमें ये भी दे रखा है जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रोड्यूस करते हैं उसमें एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें जैसे एल्गोरिदम रहा आपका, क्रिप्टो क्राफ्टी रहा, इसके अलावा कुछ कीज़ भी यूज़ करते हैं, यानी पर्सन बाय यूज़ ऑफ पब्लिक की ये जो की होती है, पब्लिक की प्राइवेट की, ये हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की डेफिनेशंस के अंदर समझते हैं कि पब्लिक की होती क्या, प्राइवेट की क्या होती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसके अंदर हमने कुछ जो आपकी पेनल्टीज थी जैसे टेम्परिंग विद द कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, जिसमें सेक्शन 65 के अंदर बताया था कि इम्प्रिजमेंट 3 ईयर्स और फाइन अप टू 2 लाख हो सकता है। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ रहे हैं कि टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट है क्या। आइए देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परिंग विद द कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, हाउएवर नोइंगली और इंटेंशनली कंसील डिस्ट्रॉय और एल्टर और इंटेंशनली नोइंगली कोज अनदर टू कंसील डिस्ट्रॉय एल्टर एनी कंप्यूटर सोर्स कोड यूज फॉर कंप्यूटर, कि कंप्यूटर सोर्स कोड को आप क्या करते हैं जानबूझकर, ठीक है, इंटेंशनल मतलब है जानबूझकर आप उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको एल्टर का मतलब है चेंज करते हैं कोड को, ठीक है ना, और उसका आप क्या करते हैं चेंज करके उसका मिसयूज करते हैं, तो वो कहलाता है आपका टेम्परिंग कहलाता है। इसमें लिखा भी हुआ है कि जो इम्प्रिजमेंट होता है इम्प्रिजमेंट अप टू 3 ईयर्स और द फाइन में भी एक्सटेंड अप टू 2 लाख, है ना, और दोनों भी हो सकते हैं। फिर हैकिंग का हमने पढ़ा था, हैकिंग क्या होता है, हाउएवर विद द इंटेंशन टू कोज नॉइंगली दैट ही इज लाइकली टू कोज रॉन्गफुल लॉस और डैमेज टू पब्लिक और एनी पर्सन, ये आप क्या करते हो किसी दूसरे पर्सन को नुकसान पहुँचाने के लिए उसके कंप्यूटर सिस्टम को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को क्या करते हो आप, हैक कर लेते हो, ठीक है ना। तो इसमें भी हमने पढ़ा था कि जो इम्प्रिजमेंट 3 ईयर्स है और जो आपका फाइन है वो 2 लाख रुपए तक हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमने कुछ चीज़ें और पढ़ी थी, जैसे आपने देखा हो कि जो था अपना कि जो इम्प्रिजमेंट होता है वो सेक्शन 65 के अंदर 3 साल का, 66 के अंदर भी 3 साल का, 66B के अंदर 3 साल का, इन 67 जिसमें था पब्लिशिंग ऑफ इमेज सेक्सुअल कंटेनिंग तो उसमें 7 ईयर का था, और अमाउंट जो था 65 में 2 लाख का था, 66 में 5 लाख का था ना। ये जो 5 लाख है ये अमेंडमेंट आया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में, तो उसमें ये बढ़ा के 5 लाख कर दिया है, 66B में 1 लाख का और 67A में 10 लाख रुपये का है। तो इस वीडियो के अंदर हमने पुरानी चीज़ें जो थी उनको थोड़ा हमने डिटेल में समझा है।